यो, हमेशा की तरह मैं फिर से एक नई जगह पे आया हूँ और इस बार वो जगह है बनारस। बहुत नाम सुना था इसलिए मैं बनारस आज सुबह ही पहुँचा हूँ और आते ही मैंने जोस्टल में चेक इन किया क्योंकि जोस्टल का नाम मैंने बहुत सुना है। ये पूरा जोस्टल है, बहुत खूबसूरत है। तो आज मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी फ्रेश हो गया, तैयार हो गया, मैं बनारस एक्सप्लोर करूँ क्योंकि बनारस में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि अस्सी घाट, पहली चीज़ तो दिमाग में आती अस्सी घाट, अगर बनारस आया हो तो अस्सी घाट तो जाना चाहिए। तो मैं अभी जल्दी फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके मैं अस्सी घाट की तरफ निकलूँगा, तो चलते हैं फिर। तो मैं पैलेस ऑफ गैंजेस पे हूँ, रूफ टॉप पे हूँ, बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, ये देखिए। और ये है मेरे पीछे अस्सी घाट है, आपको यहाँ से दिखता नहीं होगा तो मैं और पास चलता हूँ, तो चलते हैं। सो यस, मैं अभी अस्सी घाट पहुँच चुका हूँ। चारों तरफ नाव है क्योंकि यहाँ से बोट करके लोग पूरा घाट घूमते हैं और बहुत अच्छी जगह है। और सबसे बड़ी बात ये कि बनारस में सबसे फेमस घाट अस्सी घाट है क्योंकि यहाँ पे आप चारों तरफ देखेंगे ना, जहाँ पे होटल है रहने के लिए वहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर रहते हैं, कुछ लोग रिसर्च के लिए आते हैं और कुछ लोग स्टडीज़ के लिए आते हैं। तो बाहर से लोग यहाँ पे इसलिए पढ़ने आते हैं क्योंकि यहाँ पे BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है बनारस का। और बात एक ये है कि अस्सी घाट जो है वो इतना फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो त्यौहार होता है, जो फेस्ट होते हैं, लोग पूरे बनारस से यहाँ आते हैं। बनारस से क्या कहें, पूरे दुनिया से लोग यहाँ विज़िट करते हैं। और रही बात विज़िट की, तो लगभग 300 लोग हर घंटे यहाँ पे विज़िट करते हैं और अगर फेस्ट होता है, त्यौहार होता है, तो लगभग 2,500 से 3,000 लोग विज़िट करते हैं हर घंटे। और टोटल अगर त्यौहार है तो स्टैटिस्टिक ये बताता है कि टोटल फेस्ट के टाइम यहाँ पे 22,000 से 25,000 लोग आते हैं और ये पूरा भरा हुआ रहता है। जो आप ये देख रहे हैं ये अभी खाली है पर हर समय भरा रहता है, अगर फेस्ट हो और शाम को अगर आरती हो तो भी बहुत भरा रहता है ये। तो मैं अभी दशश्वमेध घाट पे हूँ, ये भी एक सबसे फेमस घाट माना जाता है। अस्सी घाट, दशश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट बहुत फेमस माना जाता है। और कहा जाता है दशश्वमेध घाट इसलिए बना था कि जब शिव जी यहाँ पे आ रहे थे तो ब्रह्मा जी उनकी स्वागत के लिए ये घाट बनाया गया था। और अभी बाबा जी यहाँ पे हैं, बाबा जी से भी बहुत अच्छी बात हो रही है, हम दोनों दोस्त हो गए। और यहाँ पे मेरे जो दो दोस्त लोग हैं, बाबा एक बात बताना पड़ेगा, बाबा भी ट्रैवलर ही हैं, बाबा एक जगह नहीं रहते, बाबा बहुत जगह घूम चुके हैं ना बाबा। कहाँ कहाँ घूमे बाबा? हमने हाँ शुरू से अयोध्या गए, अयोध्या से हमने गए उज्जैन, उज्जैन से गए हरिद्वार, हरिद्वार से गए अमरनाथ, फिर बद्री केदार, गंगोत्री, जमोत्री, अमरनाथ। बाबा से मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी मैं दशश्वमेध घाट पे ही हूँ, अभी यहाँ से मैं बोट करूँगा और बोट दूसरे छोर पे, वो जो उस छोर पे वहाँ वो लेके जाएगी और वहाँ पे लोग स्नान करते हैं। और मैं, मेरा मन नहीं स्नान करने का, पर देखते हैं मैं नहाऊँगा कि नहीं नहाऊँगा कोई फिक्स नहीं क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडी है। और चलते हैं फिर, और बोट का प्राइस मैं आपको बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर कैसा होता है कि कुछ लोग कुछ भी रेट लगाते हैं। तो चलते हैं फिर, मैं आपको प्राइस बताता हूँ बोट का और कहाँ कहाँ घूमते हैं। दशश्वमेध घाट पे हैं हम लोग और मैं उस छोर पे जा रहा हूँ और इस तरफ मैं घूमने जाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ फ़ोटो शूट्स करने हैं, मतलब बनारस के जो घाट के शूट करने हैं। तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नाव कर रहे हैं तो 50 रुपये लगभग लगता है, 50 रुपीस। तो मैं हूँ, रिच है, आशीष है और आदि है, हम चार लोग हैं टोटल और 200 रुपये पे कर रहे हैं हम। तो दो मतलब एक इस तरफ और उस छोर पर हम जा रहे हैं, तो उस छोर पे चलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा बॉस, सूरज निकला है। दशश्वमेध घाट से सीधा मैं मणिकर्णिका घाट पे आया हूँ, यहाँ पे अभी भी लोग जला ही रहे हैं और कहा जाता है कि यहाँ पे मरने वालों को मोक्ष प्राप्त होती है। और यहाँ का मानना ये है कि जब माँ पार्वती मणिकर्णिका घाट पे आई थी तो उनके कानों का कुंडन गिर गया था, तो शिव जी के कहने पे लोगों ने, उनके पास जवाब नहीं था लोगों के पास कि कानों का कुंडन कहाँ है, तो महादेव ने समुच प्रजाति को श्राप दिया और कहा कि आज से तुम चिता को मुखाजिर करोगे,
बहुत लोगों के माफ़ी मांगने पे भी शिव जी ने नहीं माना, और आज भी जब चीता को आग देते हैं तो पहली 5 लकड़ी जो होती है वो डोम राजा, जो डोम प्रजाति होती है वो रखते हैं, जिसे शिव जी ने श्राप दिया था कि आप अनंत काल तक यही करेंगे कि आप आग लगाएंगे मतलब अस्थियों को। और आज भी ऐसा ही चलते आ रहा है। और कहा यह भी जाता है कि जो डोम प्रजाति जो होती है उनके घर पे जो खाना बनता है वो अस्थियाँ की जो लकड़ियाँ होती है उसी से वो खाना बनाते हैं, और कोई लकड़ी या कुछ और यूज़ नहीं करते, लाइक गैस चूल्हा कुछ नहीं। तो इस समय मैं काशी मुक्ति भवन में आ चुका हूँ, और ये एक ऐसी जगह है बनारस में कि अगर मैं आपको इसके बारे में बताना भी चाहूँगा तो आप शायद बिलीव नहीं करेंगे। कहा जाता है कि यहाँ पे जिन्हें उनके मृत्यु के बारे में पता चल जाता है कि उन्हें मरने वाले हैं कुछ दिन में, तो वो यहाँ पे चेक इन करते हैं, ये भवन में आते हैं और अपने मृत्यु का इंतज़ार करते हैं। तो हमारे साथ आशु भैया हैं और ये बचपन से यहाँ रह चुके हैं, तो इनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा कि मैं तो पहला सवाल भैया से कहना चाहूँगा कि भैया ये महीने में लगभग कितने लोग यहाँ आ जाते हैं? वो जैसे कि इस समय क्या है कि अभी अगला महीना जो होगा तो ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि अभी लोग खेती कटाई वटाई कर रहे हैं ना, तो कम आते हैं। अभी अगले महीने सब आएंगे, इस महीने 2-3-4-5 लोग आएंगे। और कहते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम डेज जो है वो 2 weeks और 2 हफ्ते हैं, उसके बाद 15 दिन तक का है। क्या मतलब है ये? मतलब होता है कि जो है लोग आते हैं कटवा कटेशन होते हैं, मतलब वो 2-3-4-5-10 से ज़्यादा नहीं होता। तो लेकिन हमने 15 रखा है, मान लीजिए 15 दिन तक रह गए, लेकिन वो 15 दिन कोई ऐसा नहीं कोई रिजिड कोई क्राइटेरिया है 15 दिन बाद निकाल देने वाला, ऐसा कोई नहीं। लेकिन हो सकता है कि भाई अब वो भगवान की इच्छा है कब मरेगा कब नहीं मरेगा, तो यदि 15 दिन बाद भी एक्स्ट्रा एक्सटेंड होता है तो जो मैनेजर होते हैं कि वो अपने अपने बिल पर अपने पास अथॉरिटी है उसको प्रूव करके रखते हैं, और कुछ दिन होगा 5-6 के साथ। चार्जेस बस इतना ही है, 10-20 rupees पर डे का चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, कोई भी आके रह सकता है। और ये सबसे एक यूनिक क्वेश्चन है, कहता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को टुकरा देते हैं, तो कभी ऐसा यहाँ हुआ है कि कोई अपने माँ बाप को लेके आके छोड़ दिया और कहा हो? नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करते, भाई ये क्योंकि यहाँ पर पहले रूम तो यही है कि फैमिली साथ रहेगा, कौन उसका सेवा करेगा, ठीक है? आप लेकर आया छोड़ जा नहीं सकते, आपको सेवा करनी है, लेकर जाना भी है, आपको आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। कोई लावारिस ऐसे मिल जाता हमको तो हम उससे सेवा करेंगे, लेकिन आप लाख रुपया छोड़ कर नहीं जा सकते, आपको सेवा करना पड़ेगा। और एक और सवाल है, कहते हैं कि कर्म, जैसे कर्म होता है कि जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, आसमान में स्वर्ग है नर्क है, तो मेरा ये कहना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो? स्वर्ग और नर्क है ये इसी में मिल जाता है इस धरती पे ही कि ऊपर कहीं है? नहीं नहीं, इसी पर यही मतलब वो कहते हैं ना, जो कि जो आप करते हो जैसे क्या दुनिया गोल, लोग कहते हैं दुनिया गोल, कहने का मतलब ये नहीं दुनिया गोल जस्ट है, वो बहुत बड़ी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप जो करते हो घूमते हुए आपके पास आएगा, आप अच्छा काम करोगे तो अच्छा आपको मिलेगा, घूमते आपके पास आएगा, कभी कभी आपको आएगा। बुरा काम करोगे घूमते आप मर्डर करते हो किसी ने आपको मर्डर कर दिया, आप गलत काम करोगे गलत काम आपके पास वापस फिर घूम कर आएगा, वो है इस कॉन्सेप्ट में दुनिया गोल है, यही है कॉन्सेप्ट। कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर आपने गलत काम किया है तो आपके बुढ़ापे में जो आपको तकलीफ होती है वही तुम्हारा नर्क का समय है, ये सही है? बिल्कुल है। तो हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और शायद आपको भी पता चल गया होगा कि क्या ये मतलब इसकी वैल्यू कितनी है। तो मैं अगर यही कहना चाहूँगा आपको, अगर आप बनारस आ रहे हैं तो एक बार आप यहाँ आइए, यहाँ के लोगों से मिलिए, बहुत ही पॉजिटिव माहौल है यहाँ पे। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत मस्ती किया, बहुत खाया पिया, और जैसे कि आज का दिन ख़त्म हो रहा है तो आरती से ख़त्म करता हूँ। तो मैं अभी दशश्वमेध घाट पे हूँ और बहुत लोग जमा हुए हैं यहाँ पे, बहुत लोग हैं, तो अभी आरती करते हैं, फिर अपने होटल या हॉस्टल में जाता हूँ, फिर कुछ बात करते हैं। चलो
तो फाइनली मैं अभी जॉस्टल पहुंच गया हूं, और मैं और आदि वीडियो चेक कर रहे थे कि अभी वीडियोस पूरी शूट हुई कि नहीं हुई, और आज का दिन यही ख़त्म करता हूं, बहुत टायर्ड हो गया हूं, और कल मंदिर घूमूंगा क्योंकि आज मंदिर नहीं गया था, आज घाट ही था मैम बहुत सारे। और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और नेक्स्ट वीडियो और इससे अच्छी होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय।